नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मुख्य सेविका से रिलेटेड एक खबर आई है, काफ़ी बच्चे जो परेशान थे अब एकदम चैन की सांस ले लीजिए, कभी भी आपके शॉर्टलिस्टिंग जारी हो सकता है। बेसिकली आपका जो अटका हुआ था, क्यों अभी तक शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रही थी, वो थी आपकी आहारता से रिलेटेड जो दिक्कत थी, वो खासकर थी बीएससी होम साइंस वालों की। बीएससी होम साइंस वाले कह रहे थे कि हम भी इस भर्ती के लिए आ रहे हैं, काफ़ी इससे रिलेटेड जो है एक तरह से बोला जाए रेट्स भी पड़ी थी, और आयोग को इसने साफ साफ यहां पर मना कर दिया गया है कि आयोग ने इनकार कर दिया है। साफ साफ क्लेरिफाई हो गया है, मेल भी आ चुका है जो है एक तरह से बोला जाए चेंज जो होना था कि जो बीएससी होम साइंस वाले हैं कि उनको रखा जाए कि नहीं रखा जाए, तो पूरी कमिटी जो बैठी आपकी, उसके बाद से जो डिसीज़न लिया गया वो यही लिया गया कि ये नियमावली के अकॉर्डिंग ही चलेगा, इसमें होम साइंस वाले को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक दुख भरी खबर है। और अब इस भर्ती का जो प्रक्रिया है वो आगे चलाया जाए ये कहा गया है। तो इसी क्रम में बीएससी होम साइंस को तो जाहिर सी बात है उन्होंने सीधे ना बोल दिया गया है कि ये लोग नहीं होंगे, और ऐसे में थोड़ा समय और लग इसलिए रहा है कि कुछ बच्चे जो आहार नहीं है, जो उस एक तरह से क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे, उनके भी फॉर्म आपके क्या हैं अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है डीवी में उनको बाहर किया जाएगा, अभी तो कुछ नहीं होगा ऐसा, लेकिन आप लोगों के साथ डीवी में जो आहारता नहीं रखते थे उसके बाद भी रखे हैं फॉर्म भरे हैं, तो उनको डीवी में दिक्कत आएगी। रही बात की शॉर्टलिस्टिंग कब तक हो जाएगा, तो अब सीधे सीधे बोला गया है कि आप जल्दी से शॉर्टलिस्टिंग करके जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए जितना जल्दी हो सके। रही बात की कट ऑफ क्या जाएगी, तो बच्चों जितना लोग आप समझ रहे थे कि सर क्या कट ऑफ जाएगी शॉर्टलिस्टिंग की, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो सूचना मिल रही है, यह सूचना मिल रही है कि कट ऑफ इसकी जीरो के आसपास रहेगी, जीरो से लेकर पांच के आसपास रहेगी। मतलब जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उन सभी को मौका मिल जाएगा मुख्य सेविका का मेंस का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए पीटी के थ्रू ये वैकेंसी आई थी, तो कट ऑफ के लिए काफी लोग चिंता कर रहे थे कि कहीं ज्यादा ना जला जाए, ज्यादा नहीं चाहेगा, जैसे कहा गया कि शून्य से लेके थोड़ा सा आसपास, शून्य के आसपास, मतलब उम्मीद है कि सभी को देने को मिल जाएगा, नहीं तो पांच नंबर बहुत हुआ तो इसी के आसपास ये खबर मिली है कि रहेगा। और जो अभी तक दिक्कत थी आहारता वाली वो क्लियर हो चुकी है, जल्दी ही शॉर्ट लिस्टिंग आपके सामने होगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे यहाँ कोर्स आपका चल रहा था और उसे हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है, उसमें आपके टेस्ट भी सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सेक्शनल भी हो गया है, और जल्द ही उसके लिए हम लोग जो क्लासेस रिविजन क्लासेस हैं वो लेकर आएंगे, एक मैराथन क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है, इनकी मैराथन क्लासेस कराई जाएंगी, जैसे हमें कुछ सूचना मिलती है कि इनका शॉर्टलिस्टिंग आने वाला, शॉर्टलिस्टिंग से एग्जाम के दिन तक कम से कम आपको 20 दिन का समय ऑलमोस्ट मिलेगा, 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, इसी में आपको ताबड़तोड़ आपका रिवीजन होगा जबरदस्त तरीके से। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो ऑलरेडी जुड़ सकते हैं, अभी भी ये कोर्स हमारा चल रहा है। आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके यूपी ट्रिपल एससी कोर्स जो है सर्च करिएगा, उसमें आपको मुख्य सेविका का कोर्स दिख जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन हमें जैसे ही प्राप्त होगी हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। किसी प्रकार की आपकी समस्या जो है वो जो हो भी हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।